हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग दिस इज़ सुधांशु भारती एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अ डिटेल लेक्चर सीरीज और इट्स अ क्रैश कोर्स का सेकेंड लेक्चर वीडियो है जिसमें कि हम लोग अभी जनरल बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जनरल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो द लिविंग वर्ल्ड Uh, एक क्लास में मैंने वन शॉट वीडियो उसको कवरअप किया आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवरअप करेंगे एक एक वीडियो में तो दीज आर माई क्रीडेंशियल्स और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू कन्वीनियंट कैटेगरीज राइट बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर्स इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कन्वीनियंट कैटेगरी में हमको ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स का और इसमें सबसे पहले अगर नाम किसी का आता है अरिस्टोटल का आता है अरिस्टोटल वॉज द अर्लिएस्ट टू अटैप्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया जैसे कि प्लांट्स को उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे ट्रीज़ में श्रब्स में एंड हाउस में बांटा डिफ्रेंशिएट uh, किया वहीं एनिमल्स को उन्होंने रेड ब्लड सेल्स बियरिंग और रेड ब्लड सेल्स जिसमें नहीं पाया जाता है उसके आधार पे बांटा जैसे एनिमल्स को रेड ब्लड सेल्स बियरिंग है जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है जैसे मैमल्स लिजार्ट बर्ड्स एंड फिश ठीक है उसमें भी नो रेड ब्लड वाले में भी उन्होंने फिर बांटा हार्ड बॉडीज एंड बॉडीड एंड सॉफ्ट बॉडीड में हार्ड बॉडीड में जैसे कि इंसेक्ट्स आया सॉफ्ट बॉडीज में शेल्स सेल्फिश जिसका एग्जाम्पल है नो no शेल अगर है तो जेलीफिश उसके एग्जाम्पल्स हैं इसके आधार पर उन्होंने क्लासीफाई किया <coughs> उसके बाद मेज़र uh, इसमें कंट्रीब्यूशन आता है लीनियस का जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने अपने बुक सिस्टेमा नेचोरा में जो कि नाइनटीन सेवन थर्टी सेवनटीन थर्टी फाइव में उन्होंने पब्लिश किया था उसमें इसकी चर्चा की और वहाँ पे दो ग्रुप उन्होंने बांटा उसका नाम रखा जिसमें कि कहा एक को बोला उन्होंने एनिमेलिया एनिमल्स को एंड वेजिटेबलिया यानी जिसमें प्लांट्स आएगा ये टू डिस्टिंग किंगडम उन्होंने क्लासीफाई किया और लीनियस डिवाइडेड किंगडम इनटू उन्होंने पहली बार किंगडम को क्लासेस में और ग्रूपड इनटू फाइला फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स ये आ, कार्ल वॉन लीनियस के द्वारा दिया गया था कैरोलस लीनियस ठीक है उन्होंने बायोनोमियल नोम क्लेचर को भी दिया जिसके में वो एक उसी से इंस्पायर्ड होकर के अपना नाम भी उन्होंने कैरोलस लीनियस रखा When single-celled organisms were first discovered, they were split between the two kingdoms. Mobile form को animal में रख दिया गया। Single-celled organism बाद में जैसे ही my, uh, microscope का discovery हुआ और हम लोग microscopic organisms को देखने में able हुए, जब उसकी discovery हुई, तो उसको उन्होंने फिर से अगेन दो parts में split कर दिया, जो movement करने में, जो mobile थे, movement करने में capable थे, they are grouped under प्रोटोजोआ एनिमल एंड कलर्ड एल्गी एंड बैक्टीरिया को डिवीजन थैलोफाइटा और प्रोटोफाइटा में रखा गया ओके लेकिन बाद में चल कर के, लिनियस ने खुद ही यह महसूस किया कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये इनसफिशियंट है क्यों क्योंकि जब जैसे जैसे मैंने कहा कि एडवांसमेंट हुआ माइक्रोस्कोपी में और सेल्स के बारे में जब हम जानना शुरू किए तो वहां पे हमने देखा कि दो तरह के सेल पाए जाते हैं प्रो एंड यू सेल्स तो जब ये प्रोकारोटिक यू में डिफरेंसेज आए हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स में डिफरेंसेज आए ठीक है यूनीसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिफरेंसेज आए तो इन सब के आधार पे उन्होंने ये समझा कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन उतना कामयाब नहीं है और इसका जो इसकी जो वजह थी यही थी कि दोनों प्रो सेल्स एंड यू सेल्स को एक ही ग्रुप में रखना हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को भी एक ग्रुप में रखना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम में कोई डिफरेंस नहीं बताना ठीक है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल ऑर्गेनिज्म के साथ हम लोग रख दिए तो ये चारों बेसिस बना मेनली कि इसको अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिग्निफिकेंट का नहीं रहा वो सोच रहे थे उसी समय उसके बाद ऑनेस्ट हैकल साहब आए 1866 में उन्होंने दे ही रिकोगनाइज एंड सजेस्टेड क्रिएटिंग अ थर्ड किंगडम जिसको कि प्रोटिस्टा नाम दिया या प्रोटोटिस्टा उसको बोलते हैं और जिसमें हैकल्स का जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोटिस्टा प्लान्टी एंड एनीमेलिया आता है नाउ ये जो टू किंगडम क्लासीफिकेशन के ड्रॉबैक्स मैंने पीछे भी पढ़ा यहाँ भी उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लें कि प्रोकारियोड जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को यू कारियोर्ड्स के साथ रखा गया है राइट right? प्लांट्स uh, उन सबको प्लांट्स में रखा गया बेस्ड ऑन द प्रजेंस ऑफ सेल वॉल बट दे आर वाइडली डिफरेंट इन अदर फीचर्स तो ड्रॉबैक् से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्यों किस आधार पर उसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत पड़ी ठीक है यूनिसेलर मल्टी सेलुलर को जैसे हमने बताया उसके एग्जाम्पल्स में जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरो को एल्गी में रख दिया गया था ठीक है इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक फनजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है ठीक है जहाँ की फंजाई में चीटिनस सेल वॉल होता है और ग्रीन प्लांट में सेलोलॉजिक सेल वॉल होता है इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कशन काफ़ी डिटेल में किया हुआ है तो उसके बाद ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें अगर हम देखें तो कुछ कैटेगरी कैटेगराइजेशन के आधार पे जैसे सेल वॉल एनिमेलिया में जनरली सेल वॉल एब्सेंट होंगे और प्लांट में प्रेजेंट होंगे लोकोमोशन मूवमेंट और लोकोमेशन की बात करते हैं मूवमेंट में लोकोमोशन क्या है एट आवर ओन विल मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन मूवमेंट क्या है एक्सटर्नल फोर्सेज लोकोमोशन में सिर्फ इंटरनल फोर्सेज के कारण हम चलते हैं मूवमेंट एक्सटर्नल फोर्सेज के कारण भी हो सकते हैं जैसे पेड़ पौधे में भी मूवमेंट होता है मूवमेंट मतलब अपने एक्सिस पे ही पोजिशन पे खड़े होकर के लेफ्ट राइट आ, ये घूमना होता है तो यहाँ पे एयर का प्रेशर है वो काम करता है तो एयर प्रेशर यानी एक्सटर्नल फोर्सेस उसको मूव कराते हैं तो लोकोमोशन विल बी एब्सेंट इन प्लांट्स बट इट विल बी प्रेजेंट इन एनिमल्स वहीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली ये डो नॉट ईट का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं खुद से खाना बना लेते हैं इनको तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन एनिमल्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफिक रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इस्टीमुली एक्सटर्नल स्टीमुली के रिस्पॉन्स करना में कुछ रिस्पॉन्स जो है ये प्रेजेंट होता है आपका एनीमेलिया में लेकिन प्लांट्स में एक्सटर्नल स्टीमुली के रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड करना ये एबसेंट होता है लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में ये मिलता है नाउ इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ठीक है तो हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट है किसमें एनिमल में लेकिन ये किसमें एनिमल्स में सॉरी प्लांट्स में, में ये एबसेंट है एक्सेप्ट कुछ डाई एटम्स है क्लेमाइडोमोनास है या यूगलेनोइडस है इसमें मिलता है एंड वॉट आर दीज कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ये कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम होता क्या है दे आर जनरली जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जैसे हम लोग मशल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स प्रोटीन वहाँ पे जो काम आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाले प्रोटीन जनरली प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल मसल्स विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स दस हेल्पिंग इन मूवमेंट राइट एंड प्लांट्स यूज वाटर टू परफॉर्म दिस फंक्शन एनिमल्स में जनरली वो क्या है मसल्स के रूप में मिलते हैं राइट बट केस ऑफ प्लांट्स जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हाँ ये आपका वाटर के कारण होता है ठीक है वेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स द सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड वेन इट मूव्स इन साइड सेल एक्सपैंड और बिकम टर्जिड जैसे सेल के अंदर आएगा वो फुली टर्जिड हो जाना है ठीक है जो कि इसका एग्जाम्पल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एसटोमाटा ये प्रसोन टच मी नॉट प्लांट वहाँ भी टर्गर प्रेशर हम लोग देखते हैं तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जिसमें कि एक मेजर डिफरेंस जो ज़्यादा याद करने का है, ये व्हाट डज इट मीन कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का मीनिंग क्या है ठीक है चलिए तो यहाँ पे अब हम जो टेक्निकल कुछ कुछ वर्ड्स जान रहे हैं तो इसमें कि भाई प्रो कार्योटिक यू सेल्स आ गए ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉप्स आ गए ठीक है ऐसा आ, यूनी सेलूलर एंड मल्टी सेलुलर आ गए तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लें जो कि हम लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे इससे पहले भी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरली प्रो और यू सेल का जो डिफरेंस दे, देखते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वहाँ मिलते ही नहीं है किस में प्रो में यू में प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रो में क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस होता नहीं है तो वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एबसेंट होंगे लेकिन यू में प्रेजेंट होंगे चूँकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उससे उस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग इन सीपियन न्यूक्लियस या प्रोकारियोन या जीनो भी बोलते हैं या न्यूक्लियोइड रीजन भी बोलते हैं ठीक है बट यू कार्योट्स में उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज है सेल ऑर्गेनल्स मेम्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें एबसेंट होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स मेनली सेवेंटी एस टाइप के होते हैं जिसके सब यूनिट्स फिफ्टी एस एंड थर्टी एस होंगे एस इज फॉर स्वेडवर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशियंट हम लोग जानते हैं जबकि राइबोसोम आपका यू कार्योड्स में एट्टी एस टाइप का होगा जिसके सब यूनिट्स होंगे सिक्सटी एस एंड फोर्टी एस ठीक है हालांकि यू कार्योड्स में सेवेंटी एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलेंगे कहाँ मिलेंगे सेमी ऑटोनोमस जो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इंडोसिम्बायोन्ट थियरी के आधार पर हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इंडोसिम्बायोन्ट थियरी क्या बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी आ, प्रोकारियोट्स थे ठीक है जो कि ड्यू कोर्स में किसी बड़े सेल का वो हिस्सा बन गए और यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कराने के लिए काम आए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए काम आया सेल वॉल प्रोकारियोटिक में तो भी होगा और यू कारियोट में भी होंगे लेकिन यू में जनरली प्लांट्स में होते हैं ठीक है और जब प्लांट में होंगे तो ये बना होगा सेल्यूलोज का टीटीन के भी मिलेंगे इसमें और सेल वॉल जो प्रो कारियोर्स में होंगे चिटिन वाले जो पार्ट मिलेगा आपको फंगस में भी मिलेगा एंड जनरली जो प्रो कारियोर्स में वॉल होंगे वो पेप्टीडोग्लाइकन म्यूरिन या म्यूरेमिक एसिड नैम एंड नैग यूनिट नाम पढ़ा है हमने सुना है नैम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड नैग एन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन राइट ये जुड़े होते हैं और इसमें हमने पढ़ा है लाइसोजाइम का रोल कि कैसे इसको दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करता है रेस्पिरेटरी इंजाइम्स जो होंगे प्रोकारियोट्स के मेसोजोम में प्रेजेंट होंगे मेनली लेकिन यहाँ जो रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होंगे इधर इट विल बी इन साइटोप्लाजम और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ठीक है अब अब ये मेसोजोम क्या होते हैं तो मेसोजोम कुछ नहीं ये आप मेसोजोम का एक स्ट्रक्चर देखो ये प्रोकारियोटिक एक सेल है इसमें ये मेसोजोम है ठीक है यही आपका इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यू है और इसका ये तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सॉरी इसका अपना क्रोमोजोम है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये मेम्ब्रेन है मेसोजोम इन, इन मेम्ब्रेन का ही ये इन होता है सेल मेम्ब्रेन का ही इन या इन फोल्डिंग साइटोप्लाजमिक मेम्ब्रेन इसको हम लोग बोलते हैं इन फोल्डेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ये बनता है और ये जनरली प्रोकारियोट में रेस्पिरेशन का काम करता है यस वेलकम नीरज शर्मा ठीक है तो ये जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी इंजाइम्स का प्रेजेंट इन मेसोजोम्स फ्लाजेला फ्लाजेलिन प्रोटीन का इसमें बना होगा लेकिन जो यू कार्योर्ट्स में जो मूवमेंट फ्लैजेला किसके लिए है लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है प्रोकारियोड्स में लेकिन यू कारियोर्ड्स में अगर ये फ्लैजेला है देन इट विल बी मेडअप ऑफ ट्यूब्यूल प्रोटीन विच कंटेन 9 प्लस 2 अरेंजमेंट ओके okay? 9 प्लस 2 एंड 9 प्लस 0 अरेंजमेंट वो सेल बायोलॉजी में फिर से हम लोग पढ़ेंगे ऐसे हमने पिछले वीडियोस में अगर आप सेल बायोलॉजी के डिटेल वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ भी ये मिलेगा आपको अगेन फोटोसिंथेसिस जो होगा प्रोकैरियोट्स में वो थैलाकॉयड्स और लैमेला में होगा या फिर उसी को बोलते हैं जो यूनिट जहाँ होगा लेकिन यू में स्पेशल ऑर्गेनेल्स होंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट ओके साइक्लोसिस एक टर्म है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसको बोलते हैं जनरली ये प्रोकैरियोट्स में एबसेंट होते हैं बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता क्या है आप एक फिगर से समझ सकते हो इनफैक्ट एक अलग से हम बना के बताएं कि ये जो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का रूट कॉज क्या है ये अगर सेल है सपोज और यहाँ पे न्यूक्लियस है ये आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के आसपास का रीजन जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है क्यों क्योंकि न्यूक्लियस इज द कमांडिंग सेंटर हम्म तारिक वहीद वेलकम तो न्यूक्लियस इज द कमांडिंग सेंटर ये क्या है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस चूंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है नॉट ओनली सेल के बाहर के भी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायमेंट को भी कंट्रोल करता है तो जो कुछ भी सेल के अंदर घटित होगा एक्टिविटीज़ होंगे वो सब न्यूक्लियस के कंट्रोल में होंगे न्यूक्लियस से पूछ के होंगे इसलिए क्या है कि इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास ट्रैफिक काफ़ी कंजेस्टेड रहेगा इट मींस कि मॉलिक्यूल्स का आना और जाना यहाँ चारों तरफ लगा रहेगा इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा डेवलप होंगे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा डेवलप होंगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा हीटिंग इफेक्ट होने के कारण इसका विस्कोसिटी यहाँ के सराउंडिंग का जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम होगी ठीक वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण आपका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और जैसे ऑयल है जितना गर्म करते हैं वो उसकी विस्कोसिटी कमते जाती है वैसे ही इसके अंदर जो है विस्कोसिटी कम न, कमने के कारण यहाँ पे जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म है उसकी डेंसिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू पेरीफेरल वन क्यों क्योंकि पेरीफेरी में इस तरह का इतना ज़्यादा कंजेशन नहीं है मूवमेंट का इसलिए ये कंडेंस ज़्यादा होगा और इसके कारण क्या है कि पेरीफेरल रीजन और न्यूक्लियर रीजन के आसपास पेरीन्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर रीजन के आसपास में एक ग्रेडियंट डेवलप होगा ग्रेडियंट डेवलप होगा जिसके कारण क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन और इसको डिस्प्लेसमेंट का एक तरीका होगा कि भारी चीज़ अंदर आएगा फिर हल्का चीज़ बाहर की ओर आ जाएगा ठीक है और ये जो है एक मूवमेंट का कारण बनेगा राइट एक मूवमेंट का कारण बनेगा और यही मूवमेंट जो है ना सेल के अंदर दैट right? तो यहां पर साइक्लोसिस को दिखाया है तो साइक्लोसिस देखिए हम सिंपल सी बात है कि साइक्लोसिस तब होगा जब न्यूक्लियस डिफाइंड है कि हाँ सेंटर यही है इसीलिए यहीं पे सब आवाजाही करेगा अगर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी वहां नहीं होगा यानी कि ये साइक्लोसिस होगा ही नहीं या होगा भी तो बहुत कम लेवल पे होगा इनसिग्निफिकेंट होगा राइट तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ देख लीजिए कि साइक्लोप्लाज्मिक रेस्ट्रीमिंग हमने एबसेंट लिखा है लेकिन यू करियोर्स में प्रेजेंट होंगे राइट अब इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को मैंने यहाँ फिगर में दिखाया भी है कि देखिए कैसे ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण एमोबॉइड मूवमेंट अमीबा में भी होता है जो कि आगे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और वो मूवमेंट कराता है ठीक है आउटर साइटोप्लाज्म जिसको कि कॉर्टेक्स बोलते हैं आप इधर देख सकते हो यहाँ से कि ये जो बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा डेंस है इन कंपैरिजन टू ये आ, अंदर का जो है वो क्या है थोड़ा तो सा लिक्विड ज़्यादा है इसलिए ये क्या होगा ज़्यादा आगे मूव करने में सक्षम है इनर साइटोप्लाज्म सॉल स्टेट में होगा और जो आउटर कॉर्टेक्स जो होगा वो जेल स्टेट में होगा सॉल जेल फेनोमेना यहाँ चलते रहता है तो यही सॉल जेल फेनोमेना इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन इन अमीबा राइट नेक्स्ट साइटो प्लांट में जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वैक्यूल के चारों तरफ होता है जैसे कि हम बताएं कि प्लांट का टू थर्ड जो प्लांट सेल का टू थर्ड पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाई वैक्यूल्स, राइट तो ये जो आप वैक्यूल देख रहे हो इसी के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में राइट right? ये मूवमेंट हो रहा है ठीक है स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म जो मूव करेगा ये सोल स्टेट में होगा और बाहर का जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो वो किस किस स्टेज में होगा जेल स्टेज में होगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लोकलाइज कॉन्ट्रैक्शन बॉट अबाउट बाई एक्टिन एंड मायोसिन ऑल्सो ड्राइव्स एमोवॉइड मूवमेंट ये एमोवॉइड मूवमेंट के लिए मैंने बता दिया एंड स्यूडोपोडिया जो कि सेल्यूलर एक्सटेंशन एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्रो द रिवर्सेबल असेंबली एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन सब यूनिट्स इन टू माइक्रोफिलेमेंट्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन अ सेल उसको सिंपल तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं राइट right? और दिस स्ट्रीमिंग स्पीड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल ठीक है स्पीड अप इनफैक्ट आप स्पीड्स अप लिख सकते हो कि यही जो स्ट्रीमिंग है ना न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट मटेरियल नॉट ओनली न्यूट्रिएंट मटेरियल बट जो भी इंफॉर्मेशनल मटेरियल भी होगा सिग्नलिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो भी इसी के थ्रू मूव करते हुए एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है राइट प्लांट के केस में आपको यहां पे एक एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इंटरैक्शन एंड सोल्जेल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव साइटोप्लाजमिक स्ट्रीमिंग नाउ कहना यह है कि सोल्जल <clears throat> का जो कंडीशन है वो तो रेस्पॅसिबल है ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए साथ में एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन भी आप जहाँ जेल वाला स्थिति देख रहे हो इसमें देखिएगा ये जो लंबा लंबा इस तरह का स्ट्रक्चर हमने डाला है ये क्या है ये आपका एक्टिन मायोसिन फिलामेंट को दिखाता है तो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जो है ना वो एक दूसरे से क्रॉस्ड हैं क्रॉस्ड होने के कारण क्या है कि ये मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं जिसके कारण वो उसमें फ्री मूवमेंट जल्दी नहीं होगा एंड इट विल रिमेन इन जेल फॉर्म ठीक है और जहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सॉल स्टेज है इस जगह पे आपका एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जो होंगे उसका कंसंट्रेशन कब मिलेगा जिसके कारण इसे फ्रीली मूवेबल होता है राइट तो प्लांट सेल में अपार्ट फ्रॉम सोलजल स्टेट एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन आल्सो डिसाइड्स द स्ट्रीमिंग फिनोमिना ओके एंड द दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम लोग टर्म देते हैं साइक्लोसिस और इसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं रोटेशनल और यूनि डायरेक्शनल साइक्लोसिस एंड सर्कुलेशनल और मल्टी डायरेक्शनल साइक्लोसिस तो ये जो रोटेशनल और यूनि डायरेक्शनल है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मूव्स इन वन डायरेक्शन अराउंड सेंट्रल वैक्यूल दैट इज यंग सेल्स ऑफ लीफ एक ही डायरेक्शन में रोटेशनल मतलब क्या हुआ एक डायरेक्शन में ही सर्कुलर इसमें मूव कर रहा है रोटेश कर रहा है एंड सर्कुलेशनल और मल्टी डायरेक्शनल में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे वो ठीक है जैसे स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडेस्कटिया इसके एग्जाम्पल हैं ओके तो ये आपका एक साइक्लोसिस में डिफरेंस है और हम लोगों ने इससे ये जाना कि प्रोकारियोट्स में साइक्लोसिस जो है वो एबसेंट होगा जबकि यू में प्रेजेंट होंगे क्रोमोजोम

इज जस्ट लाइक माइटोसिस ही है माइटोसिस ही है माइटोसिस में हम लोग ये देखते हैं कि एक सेल है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है तो पहले जो है क्या होगा कि इस सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद फिर क्या है ये दो सेल में डिवीजन होगा यानी कि इन माइटोसिस माइटोसिस केस में पहले फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस राइट पहले पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसके बाद सेल का डिवीजन होगा बट इन केस ऑफ एमाइटोसिस जो आप यहां फिगर देख रहे हो इसमें साइमल्टेनियस न्यूक्लियस भी और सेल भी देखिए आप न्यूक्लियस एक है सेल है न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है एंड सेल इट सेल्फ गेट कंस्ट्रिक्टेड सेल भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो न्यूक्लियस एंड सेल बोथ स्टार्टेड डिवाइडिंग साइमल्टेनियसली दैट इज कॉल्ड ए माइटोसिस ठीक है तो माइटोसिस की तरह का है लेकिन माइटोसिस में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस पहले होगा देन फॉलोड बाई सिस बट इन केस ऑफ एमाइटोसिस कैरियो एंड साइटोकाइनेसिसनरली है जेनरली लेकिन यह हैप्लॉयड या पोलीप्लॉयड कुछ भी हो सकता है अब येप्लॉयड पॉलिप्लॉइड क्या है देखिये ये तीन अलग अलग तरह के क्रोमोजोम हैं और तीनों का एक एक सेट है इसलिए दिस इज नोन एज है यहाँ पे तीनों है वही लेकिन तीनों के दो दो के सेट है इज ठीक है अगर तीन तीन का यही सेट है तो ट्रिप्लॉयड अगर ये छे, छे का सेट है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सअप्लॉयड दो या दो से अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉयड राइट नेक्स्ट सेक्सुअलिटी टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रोकैरियोट्स में जनरली एबसेंट होता है लेकिन कहीं कहीं बैक्टीरिया में जैसे कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है और पारा रिप्रोडक्शन होता है बाई कंजुगेशन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये तीन चीज और इनसे में भी हमने एक टर्म और जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं ये चार चीज़ जो कभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एक तो आपका हो गया कंजुगेशन कंजुगेशन ट्रांसडक्शन राइट उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसफेक्शन वी विल स्टडी लेटर अबाउट ऑल दिस फोर टॉपिक्स व्हाट इज ट्रांसफेक्शन ट्रांसडक्शन एंड इट्स टाइप्स आल्सो कंजुगेशन के भी टाइप पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन में भी पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ट्रांसफिक्शन क्या होता है चलिए बाद में पढ़ेंगे लेकिन ये कैरेक्टर्स को अभी देखें लेकिन यू करियर्स में ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें कि म्यूसिस होगा गैमिट के फॉर्मेशन एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन आकर ठीक है और मैंडिट हमने यही बताया एज सेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन में मेजर डिफरेंसेस में ये आता है गैमिट के फॉर्मेशन दोनों में होंगे बट गैमिट का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन इज द मेजर इवेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्शी प्रोडक्शन वॉट इज दिस गैमिट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट इज वैक्यूल वैक्यूअल्स आर जनरली एबसेंट इन प्रोकारियोर्स लेकिन उसमें आपको गैस वैक्यूल में प्रजेंट मिलेंगे राइट right. बट इन यू करियोड्स सेल सैप वैक्यूओल प्लांट में जो कि टू थर्ड टाइप पार्ट वो ऑक्यूपाई किए होता है पूरे प्लांट सेल का एंड मोस्टली दे कंटेन वाटर एंड सम मिनरल्स ठीक है और वाटर वो फ्यूचर के लिए उसमें कंटेन करके रखता है नेक्स्ट इज द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक सेल में टेक्स प्लेस प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकारियोटिक में साइटोप्लाज्म में होगा लेकिन यूकैरियोटिक में जैसे कि रेप्लिकेशन हो ट्रांसक्रिप्शन हो ये न्यूक्लियस के अंदर होगा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बट ट्रांसलेशन कहाँ होगा साइटोप्लाज्म में होगा ठीक है ना वो एम जाएगा साइटोप्लाज्म में उस पर राइबोजोम्स अटैच होंगे और देन ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस विल आकर एग्जाम्पल बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया पी पी एल ओ माइकोप्लाज्मा प्लियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रिकेटेसिया एक्टिनोमाइसेटीज आर देयर एग्जाम्पल्स But eukaryotic examples are or plants and animal cells, including human cells, right? ye ये सब के ke के बारे में पढ़ लिया मैंने streaming एस्ट्रीमिंग हेमाइटोसिस ke के बारे में पढ़ा type of chromosomes क्रोमोजोम्स में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए does it mean metacentric मेटासेंट्रिक ये एक सेंट्रोमेयर है सेंट्रोमेयर का रोल बहुत ही अहम होता है और एक सेंट्रोमेयर से जितने भी क्रोमोजोम्स कि ये ये क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं तो अगर एक ही से ये अटैच्ड हैं देन दे आर नोन एज क्रोमेटिड्स माइंड इट क्या कहलाएंगे क्रोमेटिड्स बोथ आर क्रोमेटिड्स अगर ये इस क्रोमोसोम की ये क्रोमोसोम कितना है जी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे इसको देखेंगे तो एक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं वन है लेकिन क्रोमेटिड्स की बात करें तो कितना है टू है राइट right? अगर हम यहां पे एक इस तरीके से बना दें और ये अलग कर दे दोनों को तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जब पूछें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होंगे दो होंगे और क्रोमेटिड्स कितने होंगे वो भी दो होंगे क्यों क्योंकि सिंगल क्रोमेटिड का ये क्रोमोजोम बना है इसलिए तो ये सेंट्रोमेयर जो है वो डिसाइड करता है क्रोमोजोम को ठीक है यस मिस्टर श्रीकांत गुड गुड इवनिंग नाउ तो ये जो सेंट्रोमेयर एक सेंट्रोमेयर से जो भी अटैच्ड होंगे ना उन सबको क्रोमैटिड्स बोलेंगे और टोटल को इन टोटैलिटी उसको क्रोमोजोम बोलते हैं राइट तो यहाँ पे इसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे क्योंकि ये सेंट्रोमेयर लगभग बीचों बीच पाया जाता है ठीक है थोड़ा सा बीच से अपर पार्ट में या थोड़ा नीचे अगर है तो वो सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे राइट जिसमें कि एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म पी yes, prashun, am i audible right now? yes, can anybody confirm me whether am i audible or not? okay. okay, thank you. चलिए मैं यहाँ पे था शॉर्ट आर्म पे बता रहा था शायद आप लोगों को जल्दी से एक बार रिवाइंड कर दूँ लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म के बारे में यहाँ बता रहा था इट विल नॉट ए ट्रेडेज मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक की बात कर रहे थे ठीक है तो मेटासेंट्रिक हमने ये बताया कि अगर वो सेंट्रोमेयर cent, मेयर बीच हो तो ये मेटासेंट्रिक होगा सब मेटासेंट्रिक अगर बीच से थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो देन इट इज़ नोन एज सब मेटासेंट्रिक ओके okay. सब मेटासेंट्रिक ये दो एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच्ड जो दो हैं दोनों को क्रोमेटिड्स बोलेंगे और इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे क्रोमोजोम बोलेंगे राइट ये आप हमारा सेंट्रोमेयर है और ये सब मेटासेंट्रिक है वहीं एक्रोसेंट्रिक में और टिप पे होंगे यानी कि उसके जो शॉर्ट आर्म होंगे और छोटे होंगे और इस शॉर्ट आर्म को हम लोग नाम देते हैं सेटेलाइट क्रोमोजोम सेटेलाइट डीएनए राइट और टीलोसेंट्रिक में एकदम टिप पे सेंट्रोमेयर होंगे दिस इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम नेक्स्ट इज द ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में हम लोग देखते क्या है आप यहाँ पे देखो एक ए और बी दो सॉल्यूशन है इसमें हम लोग जनरली जो डिफरेंसेस हम जानने की कोशिश करते हैं डिफ्यूजन में एंड ऑस्मोसिस में राइट डिफ्यूजन क्या है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन देखिए हम सिर्फ यहां पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की दैट्स ऑल इसके अलावा कुछ नहीं बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस जो डेफिनेशन होगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल के जगह पे हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ये डिफाइन करेंगे राइट सेमी परमिबल मेमब्रेन है ये सेमी परमिबल मेंब्रेन हमने डाला है ये a एक सॉल्यूशन है बी एक सॉल्यूशन है ए में आप देखिए कि सॉल्यूट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है जबकि बी में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है नंबर के हिसाब से अगर देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रीजन लगभग एटीन और इसमें सिक्स है राइट पर यूनिट सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट हालांकि दोनों में सॉल्वेंट बराबर बराबर है अगर एक एक लीटर लिए हैं तो बट रिलेटिवली पर यूनिट सॉल्यूट एक सॉल्यूट है और सपोज करिए कि यहाँ सॉल्वेंट इसमें भी हंड्रेड है सिक्सटी uh, है और इसमें भी सॉल्वेंट अगर सिक्सटी है तो कंसनट्रेशन अगर हम देखें तो कंसनट्रेशन ऑफ ए का कितना लिखेंगे जी सिक्स अपॉन सिक्सटी जबकि वही कंसनट्रेशन ऑफ बी कितना होगा कंसनट्रेशन ऑफ बी विल बी एटीन अपॉन सिक्सटी ठीक है इट मीन्स कि पर यूनिट सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्वेंट बाइंड करने की कैपेसिटी बी में क्या है ज़्यादा है पर यूनिट सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्वेंट बाइंड करने की कैपेसिटी ए में क्या है कम है इट मीन्स कि सॉल्वेंट जो होगा सॉल्वेंट को फ्री रहने की टेंडेंसी किस में ज्यादा है ए में सॉल्वेंट फ्री है इट मींस कि ए में जो सॉल्वेंट है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण यह फ्रीली ए से मूव कर सकता है बट इन केस ऑफ बी पर यूनिट सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट कम होने के कारण मोर सॉल्वेंट गेट विल गेट बाउंड टू सोल्यूट जिसके कारण वो फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम होगा इसलिए मूव करने की टेंडेंसी कम होगी सो फ्रीली मूव करने की टेंडेंसी यानी काइनेटिक एनर्जी सॉल्वेंट ऑफ ए इज मोर देन सॉल्वेंट ऑफ बी इसलिए ए से बी की ओर सॉल्वेंट मूव करेगा एंड ड्यू कोर्स में क्या होगा कि ए में सॉल्वेंट का अमाउंट विल डिक्रीज एंड केस ऑफ बी द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल इनक्रीज ठीक है ये मूवमेंट जो है डिक्रीमेंट का और इंक्रीमेंट का तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन विल नॉट बी इक्वल जब तक उसमें कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए राइट तो दिस इज ऑस्मोसिस चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस ये सब हमको यहाँ पे अभी जो मेन टॉपिक है हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये ना भूलें उस पर हम लोग फिर कभी और चर्चा करेंगे जब प्लांट में मूवमेंट की बात करें ये फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे राइट ऑस्मोसिस प्लांट्स में जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं हाइपरटोनिक आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सिंपली अगर बाहर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है और अंदर का जो सॉल्यूशन है बाहर का सॉल्यूशन है दोनों बराबर कंसेंट्रेशन में है तो क्या होगा कि जितना अमाउंट में वाटर अंदर जा रहा है उतना अमाउंट में बाहर भी आ रहा है यानी सॉल्वेंट, जितना वन फ्रीली अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है ओके इट सो इस कंडीशन में ऑप्टीमल ऑप्टीमली optimal, वो क्या होगा शेप में होगा ठीक है आ, ये सेल and it is known as in flaccid condition so no change to cell due to equal water concentration water ka concentration barabar hone ke karan isme koi changes nahi aayega but in case of hypotonic solution hypotonic ka matlab kya hua कि बाहर का जो environment है वो lower concentration पे है Lower concentration मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे solvent as a water, water as a solvent इनेटिक एनर्जी सो इट विल मूव इन साइड द सेल ठीक है एंड सेल विल बिकम टर्जिड और फुल जाएगा पहले से और अगर ये सेल वॉल ना हो तो क्या होगा इट विल बास्ट फुट जाए ठीक है सो वैक्यूल हैज बिकम सोलिन एंड पुशेज द सेल कॉन्टेंट्स अगेंस्ट द सेल वॉल राइट सेल वॉल देखिए आप यहाँ सेल वॉल से थोड़ी दूरी पे है बट जब हाइपोटोनिक कंडीशन में फ्लैसिड से टर्जिड हो गया आइसोटोनिक्स से तो टर्जिड हो गया तो ये आप देखिए कि सेल वॉल से लगभग सटा सटा है एकदम ठीक है नेक्स्ट अगर ठीक इसके उल्टे अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो अंदर से ही पानी बाहर यानी अंदर में ही पानी का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इट विल मूव आउटसाइड द सेल एंड सेल विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड द वैक्यूल हैज श्रंक एंड साइटोप्लाजम हैज कम अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ओके ये उसमोसिस है अब देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ा ये बस एक बीच में टेक्निकल टर्म्स हमको जानने थे वो हमने जाना टू किंगडम क्लासिफिकेशन फिर मैंने सबसे पहले अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा फिर टू किंगडम कैरलस लीनियस का फिर जब जरूरत हुई तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने ऑनेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था ज़रूरत के हिसाब से और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिस ऑफ यूनिसेल्यूलैरिटी एंड मल्टी सेल्यूलैरिटी माइंड किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेल्यूलैरिटी एंड मल्टी सेल्यूलैरिटी तीन किंगडम में राइट प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर एलगी फंजाई एंड बैक्टीरिया इसमें आएगा प्लांटी में जो कि जिसको कि हम लोग मेटाफाइटा बोलते हैं इसमें मल्टी सेल्युलर प्लांट्स आएंगे एंड एनिमेलिया जिसको मेटाजुआ बोलेंगे इसमें मल्टी सेल्युलर एनिमल्स आएंगे तो ये प्रोटिस्टा में ही सारा एल्गी फंजाई बैक्टीरिया सबको एक साथ रख दिए हैं तो ये नो डाउट कि एट दिस लेवल पे हम इस पर डिस्कशन करें कि भाई इसको क्यों रखे हैं इट्सल्फ इज़ अ फॉल्टी सिस्टम क्लासिफिकेशन का है कि आप यहाँ एल्गी को भी फंगस को भी और बैक्टीरिया जो कि हमको अलग अलग पढ़ना है इन सब को एक कैटेगरी में हम लोग डाल के रख दिए हैं ठीक है तो दीज आर द बेसिस क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है कि तीन किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया तो किंगडम और बेसिस क्या है यूनिसेलुलैरिटी एंड मल्टी किसके द्वारा दिया गया एकल के द्वारा कौन सा एक नया सिस्टम जोड़ा गया प्रोटिस्टा किसको हटाने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक नया हम लोग इसमें जगह दे दिए राइट लेकिन ये भी गलत था क्योंकि एलगी को भी फंगस को भी एलगी जो कि ये है ऑटोट्रॉप्स हो सकता है फंगस जो हेट्रोट्रॉप्स है बैक्टीरिया जो कि ऑटो हैट्रो दोनों हो सकता है सबको एक साथ हम लोग डाल दिए हैं ठीक है तो ये इसको भी हमने डिस्कार्ड किया डिस्कार्ड करने के बाद कोपलैंड ने 1956 में ना फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया राइट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया कि जो शुरू है, हैकल का जो क्लासिफिकेशन था प्रोटिस्टा का उसमें प्रो और यू कार्योट को एक साथ रखा गया था ये याद रखिएगा ये आप इसको देख के ही समझ सकते हैं इसको डिस्कशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें प्रोकारियोट्स एंड यू बैक्टीरिया इज अ प्रोकारियोट एंड एल्गी हाँ यह फैंग फंगस जो है ये सब क्या है यू कैरियोटिक है तो इसको भी एक साथ रखा गया था तो उन्होंने क्या किया कोपलैंड साहब ने कि प्रो एंड यू कार्योटिक को अलग कर दिया बाद बाकी ज्यों का त्यों छोड़ा मोनेरा एक नाम दे दिया उन्होंने जिसमें प्रो कार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा उन्होंने दूसरा दिया जो कि यू कार्योटिक ऑर्गेनिज्म सिम इसमें एबसेंट होंगे ठीक है और ये भी यूनिसेलुलर है एल्गी या मल्टी सेलुलर भी होंगे तो सिंपल होंगे जैसे माइक्रो एल्गी इसमें फंगस है या फिर येस्ट मॉल जो प्रोटोज वाइज के एग्जाम्पल हैं मेटाफाइटा और मेटाज़ोआ सारे के सारे जो यू कार्योटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो और मेटाफाइटा यू कार्योटिक प्रेजेंट हेट्रो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोज़ोआ इसके एग्जाम्पल हैं ओके यस वेलकम अनुषा एसटी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन तो था सॉरी थ्री किंगडम टू किंगडम थ्री किंगडम फोर किंगडम पढ़ा फिर उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है और एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है तो पहले हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को जल्दी से देख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में उतना नहीं है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हमको पढ़ना है इसलिए उसको हम लोग बाद में देखेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम लोग थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं तीन डोमेन इसमें तीन डोमेन हमने क्या बताया बाता एक बैक्टीरिया लिया एक आर बैक्टीरिया लिया और दूसरा यू ऑर्गेनिजम्स को लिया तो एक बैक्टीरिया आर्किया एंड यू कारिया नाम दिया हमने बैक्टीरिया का जो सिक्स जो छः किंगडम है उसमें बैक्टीरिया वाले किंगडम को बोलेंगे यू बैक्टीरिया आर्ची में आर्की बैक्टीरिया और यू कारिया में, में मेरा चार आएगा कौन कौन प्रोटीस्टा प्लान्टी फंजाई एंड एनिमेलिया तो ये सिक्स किंगडम और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन हम लोग इसको बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी इसको लेते हैं बट इसको आ, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है बस इसको कैसे हम लोग बांटें ये सिर्फ जानकारी रखिए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ना है हमको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलन में है आर एच वीटेकर के द्वारा दिया गया नाइनटीन में और इसमें मेनली पाँच किंगडम में हम लोग बांटते हैं कौन कौन मोनेरा प्रोटिस्टा फॉन्जाई प्लांटी एंड एनिमेलिया और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमने बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया पढ़ा वो दोनों के दोनों को हम लोगों ने मोनेरा में समाहित करके रखा है राइट दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन माइनेट किस किस चीज़ पे ये बेस्ड है सेल स्ट्रक्चर थैलस ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे ये डिपेंडेंट है ठीक है <coughs> ये पाँच किंगडम है और ये पांचों जो मेन क्राइटेरिया है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का वो क्या था मैंने बताया सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की वेदर इट इज प्रो और यू ओके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पे वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे वेदर इट इज ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक और होलोसोई लाइफ स्टाइल पे वेदर इट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के आधार पे यानी कि उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे राइट तो ये मेन फाइव किंगडम क्राइटेरिया का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के ये पांच क्राइटेरियाज आपको याद रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट एक कॉमन सा टर्म हम लोगों ने जैसे कि पीछे अभी नाम रख दिया इसलिए ये सारे टर्म से वाकिफ़ होंगे प्रोकारियोट यू कार्योट यूनि मल्टी सेलूलर ऑट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक पोलोजोक ठीक है प्रोड्यूसर कंज्यूमर डी तो एक टर्म आता है जनरली हम लोग कन्फ्यूज करते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटरी बोर्ड एंड डी कम्पोजर्स राइट तो डेट्री वस दे ईट द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो खाते हैं जैसे क्रैप्स माइट्स अर्थवर्स एंड स्नेल्स होंगे बट डी कम्पोजर क्या करेंगे वो जनरली ऑर्गेनिक मैटर को वो डीके ब्रेक डाउन करते हैं राइट डी के कर डेइंग ऑर्गेनिजम्स को वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को वो पे वो रिलाई करते हैं उसको फीड करते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड पंजायतो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेट्री वोर डिकम्पोजर याद रखिएगा तो ये वही सिस्टम क्लासिफिकेशन को अगर प्रो और यू कारियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक और, और नॉन फोटो के आधार पे बांटे तो ये प्रो एंड यू ऑर्गेनिज्म में बांटेंगे प्रो में एक ही आएगा क्या किंगडम मोनेरा यू में दो फिर होंगे एक तो होंगे यूनिसेलुलर एंड देन मल्टी सेल्युलर है तो उसमें आएगा प्रोटिस्टा मल्टी सेल्यूलर है तो फिर वहाँ हम पूछेंगे कि वेदर दे कंटेन सेलवॉल और नॉट इफ़ दे डू नॉट कंटेन सेलवॉल दे आर द किंगडम इज एनीलिया एंड इफ दे हैव सेलवॉल देन अगेन टू किंगडम वहाँ पर होंगे एक फोटो सिंथेटिक जिसको कि प्लांटे बोलेंगे एंड हेट्रोट्रॉफिक जिसको कि फंजाई बोलेंगे ओके नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन का क्या है ये बहुत सिंपल सा है कि सेल टाइप इसमें मोनेरा में और इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है सेल वॉल जो होगा खास करके नॉन सेल्यूलॉजिक होता है पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड का बना हुआ किसमें मोनेरा में नैम एंड नैग की बात हमने की ठीक है एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ठीक है नैम नैग प्रोटिस्टा में किस कुछ प्रो, प्रो, यूक्रियो प्रोटिस्ट्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट होंगे फंगस में अगर सेल वॉल हैं तो वो बना होता है चीटीन एंड पॉलीसेकेराइड का और जो प्लांट में मेनली मिलेगा वो सेल्युलजिक होता है और इसमें हमने प्लांट सेल वॉल में पढ़ा है सेल्युलज हेमी सेल्युलोज पैक्टीन सुबेरिन लिगन इन सब का ये प्लांट का जो वॉल है वो बना होता है लेकिन एनिमल्स में ये वॉल एब्सेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट ऑब्बियस चूँकि मोनेरन प्रो कारियोर्ट्स हैं तो इसमें एबसेंट होंगे लेकिन बाद बाकी सब में प्रोटिस से लेकर के एनिमेलिया तक ये सब के सब यू कारियोर्स हैं इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ट्रू सेल ऑर्गेनिस विल बी प्रजेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा है तो ऑब्वियसली ये सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर सेल्युलर तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन बट फंगस से आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे मल्टी सेलूलैरिटी का कॉन्सेप्ट आते जाएगा मल्टी सेलुलर फंगस में है लेकिन लूज टिश्यूज़ का बना होता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और वो टिश्यू कैसा होगा लूज होगा प्लांटे टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा बट एनिमल्स में नॉट ओनली टिश्यू ऑर्गन बट ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है जैसे हेट्रो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक या केमोसिंथेटिक हो सकता है जबकि हेट्रोट्रॉफिक है तो ये सेप्रोफाइट्स एंड पारासाइट्स हो सकते हैं बट प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक है तो फोटोसिंथेटिक है और नहीं तो हेट्रोट्रॉफिक है राइट फंगस मेनली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक में या तो वो पैरासाइटिक होंगे या सेप्रोफाइटिक होंगे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होता है दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है और ये हेट्रोट्रॉफिक यानी जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ये होलोजोइक हो सकता है या सेप्रोफाइटिक हो सकता है राइट ये फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन है एक हम कई बार हम इसको रिपीट भी किए हैं वीडियोस में आप जल्दी से देख लो कि ये जो हम लोगों ने टर्म यूज़ किया ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक केमोसिंथेटिक इसको हम लोग रिबाइंड करें हम एक्चुअली ये जो वर्ड यूज करते हैं इसमें तीन सोर्स का यूज़ है एक सोर्स ऑफ कार्बन चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए राइट right? तो ये जो सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन अगर सोर्स है उसमें दो ही बोल सकते हैं या तो ऑटोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स उनको बोलेंगे जो एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन यूटिलाइज करें राइट तो एटोट्रॉप आट, किसको लेंगे सिर्फ और सिर्फ सीओ टू फ्रॉम एटमोसफेयर लेंगे हेट्रोट्रॉप अदर देन सीओ टू जो भी सी ओ टू एटमोसफेयर में है उसको ना लेकर के जो भी दूसरे फॉर्म में कार्बन है चाहे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो रीफॉर्म्ड फॉर्म form में हो पहले से बना हुआ हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सब हेट्रोट्रॉप्स उसको लेंगे उस तरह के कार्बन को लेकिन एटमोस्फेरी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेंगे सो so, जब भी कार्बन का अगर सोल सोर्स एटमोस्फेरी कार्बन डाइऑक्साइड है ऑर्गेनिज्म विल बी ऑटोट्रॉफ अगर कार्बन का सोर्स अदर देन एटमोस्फेरी कार्बन डाइऑक्साइड है देन इट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स क्लियर चलिए नेक्स्ट इज एनर्जी सोर्स अगर लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उसको बोलेंगे फोटोट्रॉप्स केमिकल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बोलेंगे केमोट्रॉप्स लाइट से डायरेक्टली वो एनर्जी लेगा केमिकल के ऑक्सीडेशन से लेगा एनर्जी जनरली ऑक्सीडेशन क्या होता है एग्जोथर्मिक रिएक्शन होता है ना तो उससे जो एनर्जी मिलेगा उसको ये दूसरे फॉर्म में यूटिलाइज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो केमोट्रॉप्स या तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको मिलेंगे इनर्जी के सोर्स क्लियर तो कार्बन सोर्स समझ में आया इनर्जी का सोर्स समझ में आया इलेक्ट्रॉन का सोर्स इलेक्ट्रॉन देने वाले दोनों हो, दो ही हो सकते हैं वो केमिकल से ही मिलेगा ठीक है और वो केमिकल इधर इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक राइट तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है देन दे आर नोन एज लीथोड्रॉप्स और अगर इलेक्ट्रॉन का सोर्स अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है देन दे आर नोन एज ऑर्गेनोट्रॉप्स, राइट अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस कर में है, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 टू हम लोग लेते हैं और वाटर लेते हैं राइट right? और सनलाइट लेते हैं ठीक है सनलाइट तो ये जो है CO2 टू के कारण ये क्या कहलाएगा ऑटोट्रॉप्स क्यों क्योंकि CO2 टू कहां से ले रहा है एटमोस्फेरिक से तो उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया ऑटोट्रॉफ, राइट चलिए वाटर इनऑर्गेनिक है तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या हो गया इनऑर्गेनिक ठीक है तो केमो वर्ड यूज करेंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है और एनर्जी का सोर्स आपका क्या है सनलाइट है तो उसको हम लोग वर्ड यूज क्या सॉरी यहाँ केमो नहीं लीथ हो इलेक्ट्रॉन का सोर्स अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है देखिए कार्बन का सोर्स क्या है एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड देन इट इज नोन एज ऑटोट्रॉप ठीक है इलेक्ट्रॉन का सोर्स वाटर है वाटर क्या है इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक के लिए जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है उसके लिए क्या यूज किए हैं लीथो तो यहाँ आप लगा दीजिए लीथो और सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ इनर्जी है तो लाइट अगर सोर्स ऑफ इनर्जी उसको क्या बोलेंगे फोटोट्रॉप ठीक है तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं फोटो लीथो ऑटोट्रॉफ और इसी फोटोलीथो ऑटोट्रॉप का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ राइट दिस इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप तो ये एक बस जनरल दिमाग में रखिए ठीक है वंस अगेन जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेरिक अगर ले रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म यूज करेगा ऑटोट्रॉप्स अदर देन एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एज अ सोर्स ऑफ यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म हेड्रोट्रॉप्स एनर्जी सोर्स अगर लाइट है फोटोट्रॉप्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है मटेरियल है देन इट इज केमोट्रॉप्स इलेक्ट्रॉन का सोर्स अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है देन इट इज नोन एज लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनोट्रॉप्स नाउ तो व्हाट सुड बी द मेजर न्यूट्रिशनल टाइप्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशनल टाइप अगर फोटोलिथो ऑटोट्रॉप की बात करता है इसका मतलब क्या है कि पहला जो वर्ड है ना वो आपके इनर्जी सोर्स को दिखाता है दूसरा वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन के सोर्स को दिखाता है और तीसरा जो वर्ड यहाँ पे आपको आ रहा है वो क्या दिखा रहा है कार्बन के सोर्स को दिखाता है तो फोटोलीथो ऑटोट्रॉप अगर बोला जाए तो एनर्जी का सोर्स यहाँ क्या है लाइट लीथो है इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या हो गया इनऑर्गेनिक ऑटोट्रॉफ है यानी कि कार्बन का सोर्स क्या हो गया CO2 देखिए कार्बन सोर्स CO2 एनर्जी का सोर्स लाइट एंड इलेक्ट्रॉन का सोर्स इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर राइट नाउ इसके रिप्रेजेंटेटिव माइक्रोव कौन कौन होंगे पर्पल एंड सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया राइट उतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है उसी तरीके से अगर फोटो वर्ड आ गया फोटो ये इनर्जी सोर्स है ऑर्गेनो इलेक्ट्रॉन सोर्स है एंड हेटरोट्रॉफ ये कार्बन सोर्स है यानी कि इनर्जी का सोर्स लाइट है ये लाइट इलेक्ट्रॉन का सोर्स ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनर है हेटरोट्रॉफ कार्बन का सोर्स यानी कि अदर देन एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यस ऑर्गेनिक कार्बन ठीक है उसी तरीके से अगर बात करें केमो लीथो ऑटोट्रॉफ की तो केमो में आपका एनर्जी का सोर्स हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स लीथो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक तो याद रखिए कि केमिकल के ऑक्सीडेशन से अगर एनर्जी ले रहा है और इलेक्ट्रॉन का सोर्स अगर इनऑर्गेनिक है तो वो एनर्जी का जो सोर्स होगा जो केमिकल वो भी इनऑर्गेनिक नेचर का होगा राइट तो और ऑटोट्रॉप का मतलब कार्बन का सोर्स क्या है एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड केमोलीथोह हेट्रोट्रॉप्स यानी कि इनर्जी का सोर्स क्या है इनऑर्गेनिक केमिकल होगा क्योंकि लिथो इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी क्या है इनऑर्गेनिक है और हेट्रोट्रॉप्स है तो अदर देन एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरीके से केमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स है आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं इस पर ठीक है चलिए ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जनरली ये इनर्जी का सोर्स है इसमें कुछ बताने की हमको जरूरत नहीं है कि कैसे रिकर्सर जो कार्बन सोर्स है वो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स और ऑर्गेनोलिथ्रो लेता है और फ्यूलिंग रिएक्शंस में जो एटीपी का माइक्रो फॉर्मेशन होता है खास करके तो डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑफ इनर्जी माइंड इट फ्यूलिंग रिएक्शंस इनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन सोर्सेस यूज बाई ऑर्गेनिजम्स दे ऑल हैव द सेम बेसिक नीड ए टी पी एज अ सोर्स ऑफ इनर्जी करेंसी रिड्यूसिंग पावर टू सप्लाई फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिकर्सर मेटाबोलाइट्स फॉर बायोसिंथेसिस और यही जो चीज़ है ना ये तीनों चीज़ कि डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑफ इनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन सोर्स यूज बाई ऑर्गेनिज्म दे ऑल हैव द सेम बेसिक नीड्स यही हमको सोचने पर मजबूर किया कि सम हाउ वी ऑल हैव इवॉल्व फ्राम अ कॉमन एंसेस्टर्स ठीक है क्योंकि हमारा जो बेसिक मेकेनिज्म है मेटाबोलिज़्म का वो लगभग सब में सेम है चाहे वो माइक्रोस्कोपिक प्रीमेटिव बैक्टीरिया हो या मोस्ट एडवांस्ड कोई ऑर्गेनिज्म हो चलिए नेक्स्ट अब इसमें किंगडम पे आते हैं जल्दी जल्दी आ, हम लोग इसमें दो ही किंगडम कवर करेंगे किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा ठीक है नट्सल में क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट उसी तरीके से पूछे जाते हैं जो खास करके इसमें एन बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पाए मिलते हैं राइट right. तो जो क्वेश्चन है उससे पहले ये पढ़ लें किंगडम मोनेरा जिसको कि जिसके एग्जाम्पल हैं आपके बैक्टीरिया और इसके हैबिटेट हैबिटेट ऑमनी प्रजेंट सभी जगह ये मौजूद होते हैं हाँ वेलकम पारस काफ़ी दिनों बाद नज़र आ रहे हो काफ़ी ये हैबिटेट ऑमनी प्रजेंट है सभी जगह मौजूद होते हैं ग्रुप डिना इन टू फोर ग्रुप्स में शेप के आधार पे कोक्कस स्फेरिकल है तो कोक्कस बैसिलस है तो रॉड शेप को बैसिलस बोलेंगे कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो स्पाइरल है तो स्पाइरुलम बोलेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके क्या है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स हैं ठीक है अब ये कोकाई में आप नाम से देख सकते हो जैसे पिक्चर इटसेल्फ इज सेल्फ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की एक है तो कोकस बोलेंगे दो है तो डिप्लोकोकस बोलेंगे दो है लेकिन इनकैप्सुलेटेड है हम तो दैट इज़ डिप्लोकोकाई इनकेप्सुलेटेड है इसको बोलेंगे या न्यूमोकोकस भी बोलेंगे यही न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है बहुत ही बदनाम है जो कि न्यूमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ज़िद्दी होता है चूँकि ये इनकेप्सुलेटेड होने के कारण ना ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट uh, हो जाता है जल्दी इस्टेफाइलोकोकस देखिए आप कैसे एक शेप में है स्ट्रेप्टोकोकाई लीनियरली अगर ऐसे अरेंज है तो देन इट इज़ नोन एज एस्ट्रेप्टोकोकाई सारसिना फोर फोर के सेट में फोर अपर पार्ट में फोर बिलो आठ के सेट में ये मिल रहा है तो आठ के सेट में मिलेगा सारसीना थ्री डी स्ट्रक्चर बट उसी का टू डी स्ट्रक्चर देखेंगे जो चार के सेट में मिलेगा तो वो टेट्राड कहलाएगा तो ये कोकाई का होगा उसी तरीके से बैसिलाई में ये कोको बैसिलेस बोलेंगे क्यों क्योंकि ये ना तो कम्प्लीटली स्फेरिकल uh, है और ना ही कम्प्लीटली रडसेप्ड है देन इट दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कोको बैसिलाईज ये कम्प्लीटली बैसिलस हो गया डिप्लो बैसिलस हो गया लीनियरली अरेन्ज है ठीक है पैरलली तो इसको बोलेंगे लीनियरली अरेन्ज्ड दो है तो डिप्लोकोकस पैरलि अरेज्ड है तो पैली सेट बोलेंगे लीनियरली अगर लॉन्ग चेन में है तो एस्ट्रेप्टो बैसिला इसको बोलेंगे राइट बडिंग एन अपडेज बैक्टीरिया देखिए बैक्टीरिया में बडिंग हो रहा है इधर हाइफा का फॉर्मेशन या स्टॉक का फॉर्मेशन होना अदर्स में इन लास्ट रूजो बैक्टीरियम इन लार्ज सेप में होगा फ्यूजो बैक्टीरियम का पूछे सेप कैसा होगा तो इन लार्ज रड सेप्ड है ये विब्रियो कॉमा है कॉमास फ्रॉम विब्रियो, डेलो विब्रियो में है में नेक्स्ट है आपका क्लब रड कोराइने बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियासी क्राइने बैक्टीरियासी फैमिली का जो है क्लब रडसेप्ड होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली जिसके लिए नोबल प्राइज मिला था हेलिकल सेप का होता है पेट में अल्सर कॉज करता है ये हेलिकल सेप में होता है आ, बोरेलिया बर्गडोरफी डोरफेरी ये आपका कॉर के स्क्रीव शेप में होगा इस्पायरोट्स को देखिए और फिलामेंटस टाइप का देखिए यस सिक्स एंड नाइन ये आ, आपका क्रैश कोर्स चल रहा है ठीक है आज से स्टार्ट हुआ है और अगले न, सिक्सटी डेज में पूरे कोर्स को हमको कवर अप करेंगे पारस ठीक है और इसके अलावा बीच में जैसे ही कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो स्पेशल क्लास में उससे क्वेश्चन और उसके और थोड़े से डीप लेवल के भी आ, कुछ थ्योरी देखेंगे उसमें राइट आ, और ये सिक्स टू नाइन सिक्स पी एंड नाइन पी पे चलेगा और जो सिलेबस है आपका आई आई टी का एग्जैक्ट उसी को फॉलो करेंगे यूनिट वन से हम चल रहे हैं और पूरे यूनिट को कवर करेंगे रैंडमाइज्ड यूनिट हम कवर अप नहीं कर रहे हैं एकदम शुरू से जो भी आते जा रहा है ठीक है वेरी फर्स्ट यूनिट से हम इसको कवर अप करेंगे चलिए तो ये किंगडम मोनेरा हैबिटेट सब जगह ऑमनी प्रजेंट यानी कि सब जगह मौजूद है चार मेजर ग्रुप्स आपने इसमें देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ इसमें हो सकता है नेक्स्ट किंगडम मोनेरा जो है उसमें मेनली हमको तीन मिलेंगे पढ़ने को आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एंड माइको प्लाज्मा तो सबसे पहले आर की बैक्टीरिया की बात करें आर की बैक्टीरिया हार्स एन्वायरमेंट में रहने वाला है माइंड इट सलाइन सेलाइन इन्वायमेंट में रहेगा हर्मो एसीडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में मिलेगा एंड मिथेनोजेंस जो कि गट ऑफ रोमिनेट्स में मिलेंगे रोमिनेट्स के गट में मिलते हैं और ये मेनली जो है जो भी सेल्यूलोजिक मटीरियल है गट ऑफ रोमिनेंस में मेनली ये ओमेसम पार्ट में आपको मिलेगा जहाँ पे ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं शायद इसका एक फिगर भी होगा पहले आप देख लीजिए कि छोटे जो स्ट्रक्चर इस इसके सरफेस पे होंगे उसको पाइलस बोलते हैं एक को मल्टीपल पिलाई बोलेंगे ये ऊपर का कवरिंग को कैप्सूल बोलते हैं राइट अंदर में साइटोप्लाज्म है राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है न्यूक्लियोइड बोलते हैं डबल सर्कुलर स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है सेल वॉल है और लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजेला होता है जो पढ़े है कि पढ़े हैं कि प्रोकारियोट्स में ये कैसे बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है ठीक है ये रोमिनेट्स की बात करते हैं <clears throat> तो इसमें बस एक टेक्निक्स हमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी इसमें पढ़ेंगे क्या है कि जनरली जो आ, जितने भी मीथेन प्रोड्यूस होते हैं और मीथेन को हम लोग एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं राइट और ये जो कैटल्स हैं ये मीथेन प्रोड्यूस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं ये पॉजिटिव एजेंट जाने जाते हैं तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश किए ताकि इसके गट में मिथेनोजेंस का काम क्या है जो भी सेलुलोजिक मटीरियल वो खाएगा उसको क्या करेगा जनरली रूमेन देखिए इसका जो मैकेनिज्म है यही है कि रूमेन uh, में जो माइक्रोब्स है ना वो मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस करेंगे सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे मिथेनोजेनेसिस के थ्रू और मिथेनोजेन का प्रोड्यू मिथेनोजेंस उसमें क्या करेंगे मिथेन का प्रोडक्शन करेंगे ये मिथेनोजेन मिथेन उससे शरीर से कोई लेना देना है नहीं उसको क्या करेगा शरीर से बाहर ही निकालेगा एटमोसफेयर में जाएगा और ये क्या कॉज करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालेगा हम लोग क्या किए कि यहाँ पे लैक्टेट यूटिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दें उसके जगह पे मिथेनोजेन के जगह पे तो ये मिथेन की जगह ना उसके शरीर में ये या तो उसको जो सेल्योलॉजिक मटेरियल उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको कन्वर्ट कर देगा प्रो प्रोपायोनेट में एसीटेट में और हाइड्रोजन गैस में ठीक है तो ये जो मीथेन का जब प्रोडक्शन होगा वो मात्र पाँच परसेंट रह जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट से वो रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो ये मिथेनोजेंस का याद रखिएगा कि उसको हम लोग ये लैक्टेट यूटिलाइजिंग माइक्रोब्स एंड इसमें ये भी देखा गया है रिसर्च में कि उसे उसके शरीर का जो फ्लोरा है फौना है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है उसका पाचन डाइजेशन uh, वगैरह भी अच्छा है ग्रोथ भी अच्छा है और से इनर्जी भी ज़्यादा वो यूटिलाइज करते हैं ठीक है इफ़ मिथेन लीक्स इनटू द एयर बिफोर बींग यूज फ्रॉम अ लीकी पाइप फॉर इंस्टेंस इट एब्सॉर्व्ज द सन्स हीट वॉमिंग द एटमॉस्फेयर, फॉर दिस रीज़न इट्स कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे इसको ख़त्म करेंगे ये भी हमने आपको बता दिया नाइ आर्की बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये दे आर ऑब्लीगेट और फैकल्टेटिव एनेरोब्स हो सकते हैं ऑब्लीगेट एनेरोब किसको बोलेंगे दे माइंड इट ऑब्लीगेट का मतलब क्या हुआ दे लीव इन एन एरोबिक कंडीशन एक्सक्लूसिवली अगर थोड़ा सा भी उसको एरोबिक कंडीशन दे दें एयर दे दें इट विल डाई तो ऑब्लीगेट एन बोलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एनरोबिक कंडीशन में जिंदा रह सकता है फैकल्टेटिव एनरोब किसको बोलेंगे वैसे बैक्टीरिया को वैसे आर की बैक्टीरिया यहाँ जो है जो जनरली एरोबिक है लेकिन कभी कभी फैकल्टेटिव यहाँ वर्ड हम बोल सकते हो कभी 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 कभी, -कभी वो एन एरो कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है तो ये जो फैकल्टेटिव एन एरो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये आप ये जान लीजिए कि ये जनरली एरोबिक है है, जो कभी कभी एनेरोबिक कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है राइट सो आरकी बैक्टीरिया या तो obligate, या होगा दैट इज़ प्रोडक्शन करेंगे जो गट की बात की एंड द सेल लिपिड्स लिपिड उसमें ज्यादा होंगे द रिजिड सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बॉस्टिंग अंडर हाइपोटोनिक कंडीशन ये ऊपर में हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सब में हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है क्या है एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सेल को बस्ट करने से रोकता है सेल वॉल में मेनली सीडोम्यूरिन होता है विच प्रिवेंट्स आर्की बैक्टीरिया फ्राम द इफेक्ट ऑफ लाइसोजाइन देखिए एन एसीटाइल नैक और नैम जो है ना लाइ वो आ, एक म्यूरिन जो होता है वो नैग और नैम का बना होता है कौन म्यूरिन राइट लेकिन आर्की जो कि बैक्टीरिया में होता है लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सीडो बै, म्यूरीन म्यूरिन होता है जो लाइसोजाइन के इफ़ेक्ट को भी रोकता है क्यों क्योंकि म्यूरिन जो है वो बना होता है नैग एंड नैम यूनिट का और ये जो जुड़ा होता है ना इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है लाइसोजाइम लेकिन सीवडोम्यूरिन अगर है तो यहाँ पे लाइसोजाइम एक्टिव नहीं होगा ठीक है लाइसोजाइम का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा वॉल वहाँ डिकम्पोज नहीं होगा लाइसोजाइम क्या है इट इज़ एन इंजाइम रिलीज बाय द इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में बहुत जगह ये मिलता है सिर्फ इम्यून सिस्टम में ही नहीं है टीयर्स में ठीक है आ, मैं भी मिलता है शरीर में भी है सलाइवा में भी मिलेगा आपको होस्ट सेलवॉल ऑफेनिक बैक्टीरिया राइट दे कैन लीव इन वेराइटी ऑफ इनवायरमेंट एंड आर हेंस कॉल्ड एक्सट्रीमो फाइल्स एक्सट्रीमो फाइल एक्सट्रीम कंडीशन में ये रहता है ठीक है दे कैन सरवाइव इन एसिडिक एंड अल्काइन एक्वेटिक रीजनस

एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन जाइम्स इसमें मिलते हैं एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए सेक्शुअल नोन एज बाइंडी फिशर लौकी आर्कीोटा मिथेनो ब्रेवी बैक्टर स्मिथी इसके एग्जाम्पल्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्की बैक्टीरिया हैं एंड ये एस के अकबरुद्दीन बेस्ट बुक ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर आई आई टी जैम एग्जाम ओके बेस्ट बुक में कोई भी बुक आप पढ़ो इंडियन राइटर में बी डी सिंह का बी डी सिंह की बुक अच्छी मानी जाती है उसमें सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएगा अनलेस एन एंटिल की आप आपके पास ज़्यादा समय इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग येस आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फैब एग्ज़ाम और इट मीन्स कि आपने आ, ये ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर फाइनल ईयर में हैं किस पोजीशन पे आप हैं आप ये बताएं उसके अनुसार मैं बताऊं आपको बुक के नाम या तैयारी करने के स्ट्रेटजी यस yes. अकबरुद्दीन कैरेक्टरिस्टिक अकबर उद्दीन बैक्टीरिया मैंने बताया यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है रिजिड सेल वॉल उसमें होंगे ठीक है मोटाइल फ्लैजेलम होंगे एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेनली हम लोग पढ़ते हैं साइनो बैक्टीरिया जो की ब्लूग्रीन एलगा है है, जिसमें कि हैव क्लोरोफिल ए यूनिसेलुलर कोलोनियल और फिलामेंटस क्लोरोफिल ए तो इसमें होगा ही ये में भी साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकता है पोलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकता है ओके नेक्स्ट मेराइन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और जिलेटिनस सेथ ये अपने चारों तरफ एक जिलेटिनस सेथ ओके यू आर फ्रॉम बेंगोली मीडियम बट इन विच क्लास यू आर राइट नाउ वेदर यू हैव कम्प्लीटेड येजुएशन और यू आर इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर ओके ये मैं पूछ रहा हूँ फिफ्थ सेम ओके यानी कि आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट समय है इस बार दीजिए तो हाँ थर्ड ईयर में फाइनल ही ये ईयर है आपका तो दीजिए अब तो ज़्यादा समय नहीं रह गया है आपने कौन कौन से बुक अभी यूज़ किए हैं क्योंकि थर्ड ईयर में आगे आ इसका मतलब बहुत सारे बुक पढ़ ली हैं तो नए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यू रेड बी डी सिंह की बुक आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी है या इसके अलावा कौन सा बुक आपने पढ़ा है ये बताइए मैं आपको बता दूँगा उसमें क्या पढ़ना है और अगर बायोटेक की बुक नहीं पढ़ी है तो बी डी सिंह की बुक पढ़िए ठीक है उससे भी ऊपर एवब चूँकि अब आपके पास समय नहीं है और हमेशा की तरह मैं ये बताता हूँ कि बायोटेक बायो, बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ यही एक प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि आई कैन डू ठीक है बट यू कैन डू इफ़ यू हैव टाइम ठीक है फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही आप थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे होगे तो ये बहुत अच्छी बात है सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी लेकिन अभी अगर आप जागृत हुए हैं तैयारी करने के लिए तो यू शुड स्टिक टू सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और आप ज़्यादा बायोटेक की बुक ना पढ़ के आप यहाँ भी क्लासेस कर सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं डायरेक्टली ओके तो यहाँ पे हम लगभग सब चीज़ कोर्सेज इसमें सारे सिक्सटी डेज़ का ये हम अभी क्रैश कोर्स चला रहे हैं आप लोगों के लिए तो फ्री ही है ठीक है तो फ्री क्रैश कोर्स है आप लोग इसको करो और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके करने के बाद आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी हाँ आप प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक बनाओ राइट right. और जो कुछ भी जो भी बुक आपके पास अभी तक थर्ड ईयर तक आ गए जो भी बुक आपने पढ़ा है रखा है बस उसी को मगप करिए नए बुक लेने की ज़रूरत नहीं है ओके एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एन से पढ़े नहीं जाना है एन को भी साथ में लेके चलना है एलेवे ट्वेल्थ का ठीक है उससे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है ंग yes. ज्योति शर्मा <coughs> चलिए तो यस yes, अकबरुद्दीन आई होप की यू you गॉट योर आंसर साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होगा ये यूनिसेलुल हो सकता है या कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेगा या फिल्मेंटस फॉर्म में भी मिलता है मेराइन टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट मेराइन भी है टेरेस्ट्रियल हैबिटैट भी है इसका एंड इसके चारों तरफ एक सेथ होता है जिलेटिनस सेथ होता है आ, ब्लूम फॉर्म करता है ठीक है एंड कैन नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकता है इन हेटरोसिस्ट माइंड इट जैसे कि नॉस्टॉक no एना बेना राइट और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप देखिए कि एक साइनोबैक्टीरिया का हम लोग अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग सेथ बोलते हैं इसके अंदर बहुत सारे ये आप देख रहे हो गैस वैक्यूल्स मिलते हैं <coughs> ठीक है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं फाइकोबिलिजोम फाइकोबिलिजोम होता क्या है ये सब टर्मिनोलॉजी बस याद रखिए यही सब क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं रहने के कारण फाइकोबिली जोम्स जो हैं दे आर लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना ऑफ फोटोसिस्टम टू इन साइनोबैक्टीरिया रेड एल्गा एंड ग्लाउकोफाइट्स ये सबके याद रखिएगा ये फाइको क्या है साइनोबैक्टीरिया में लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना ऑफ़ है इसमें साइनोबैक्टीरिया में रेड एल्गी में भी मिलेगा नेक्स्ट आपका जो है थायलाकोइड इसे तो वाकिफ है फोटोसिंथेटिक ही होगा डीएनए ठीक है कार्बोक्सीजोम एक नया टर्म आया कार्बोक्सीजोम क्या है कार्बोक्सीजोम आर बैक्टीरियल कंपार्टमेंट्स माइक्रो कंपार्टमेंट देखिए ये मधुमक्खी के छाते के अनु तरह दिखाई दे रहा है ये ठीक है और बैक्टीरियल माइक्रो कंपार्टमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीहेड्रल प्रोटीन सेल्स तो माइंड इट ये कार्बोक्सीजोम जो है ना अगर पूछे तो है क्या नाम है कार्बोक्सी इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट का बना होगा ये पॉलीहेड्रल प्रोटीन सेल्स होते हैं फिल्ड विथ द इंजाइम राइब्यूलोज वन फाइव बिस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजिनेज रूबिस्को ठीक है तो कार्बोक्सीजोम क्या है प्रोटीन कंटेनिंग है पॉलीहेड्रल माइक्रोकम्पार्टमेंट द प्री डोमेंट इन जाइम इन कार्बन फिक्सेशन एंड द रेट लिमिटिंग इंजाइम इन द कैलविन साइकिल एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज राइट तो ये दो टर्म से वाकिफ रही है में आपको क्या क्या मिला एक तो मिला फाइकोबिलीजोम्स एंड कार्बोक्सीजोम दो चीज़ मिला राइबोसोम से वाकिफ हैं नेक्स्ट वॉल तो आप देख रहे हैं बाहर का लेयर है एंड द वन मोर इज साइनोफाइसिन ये साइनोफाइसिन क्या है इसको हम लोग सीजीपी के नाम से जानते हैं यानी साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल पॉलीपेप्टाइड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं और मल्टी एल आर पॉली एल एस्पार्टिक एसिड इज अ नॉन प्रोटीन, नॉन राइबोजोमली प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड पॉलीमर, कंपोज्ड ऑफ एन एसपार्टिक एसिड बैकबोन एंड आर्जिनीन साइड ग्रोप्स तो ये जो साइनोफाइसिन है ना ये मेनली बना होता है स्पार्टिक एसिड और आर्जिन का ये याद रखिएगा ठीक है तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में है अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जैसे कि ऑक्सीडाइज ये क्या करेंगे केमोसिंथेटिक ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स केमोसिंथेटिक नाम ही है है ना इसके टर्मिनोलॉजीज को पीछे हमने देख लिया नाइट्राइट्स एंड अमोनिया रिलीजिंगर इनर्ज, रिलीज इनर्जी इनर्ज, ए हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इसके केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपके आएंगे सीडोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर एट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेनली डॉम्पोजर्स आते हैं जो कि ड फ्रॉम मेल एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम है ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेनिक है जैसे कि कॉलरा टीबी टीबी के बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलसिस राइट डायरिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन जनरली इसमें कैसे होंगे बाइनरी फिशन से होंगे या स्पोर के फॉर्मेशन से होंगे सेक्शो रिप्रोडक्शन तीनों हो सकते हैं राइट right? और इससे तो वाकिफ होंगे बाइनरी फिशन मतलब क्या एक सेल दो पार्ट में टूट गया स्पोर का फॉर्मेशन हमने बताया कि स्पोर का फॉर्मेशन कब करेंगे पिछले क्लास में बताया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन जब भी होता है तो ठीक है ना तो ये है माइको क्या है माइको हमारे लिए सबसे खतरनाक यही है पीपीएल इसी को बोलते हैं है ना प्यूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सेल वॉल इसमें नहीं होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का दर्जा इसको मिला हुआ है इसमें सेल वॉल नहीं होने के कारण शेप इसका फिक्स नहीं होता है सेप फिक्स नहीं होता है तो एंटीबायोटिक बेचारा इससे बाइंड करने के लिए ढूंढते दोस्ती करने के लिए लालायित रहता है बेचारा बाइंड ही नहीं कर पाता है कि इसको मारे मर जल्दी मरता नहीं है उससे है ना तो ये एनेरबिक पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है हमेशा पैथोजेनिसिटी ही कॉज करने वाला है ये ये माइकोप्लाज्मा के बारे में आप जानिए माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एम एल ओ भी बोलेंगे या पी पी एल ओ बोलेंगे ये थ्री लेयर्ड सबसे ऊपर आप देख रहे हो तीन लेयर का इसमें इन्वैलप होता है थ्री लेयर्ड सेल्युलर इन्वैलप ठीक है तेलवॉल तो है नहीं तो यहाँ जो थ्री लेयर टिपिकल लेयर है उसमें इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मिलेगा क्या है इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है है ना साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अ इलेक्ट्रॉन डेंस रिजिड सेल वॉल होगा उसके बाद पहले इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है फिर आपका क्या है थिन इलेक्ट्रॉन डेंस रिजिड सेल वॉल है है ना और एक आउटर लेयर है यही तीन लेयर होता है ये याद रखिएगा इसमें ठीक है थ्री लेयर होंगे

एंड लैक्टिकोइक एसिड के सीड डाईमिनोपीमेलिक एसीड क्या है पढ़िएगा वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस के रूप में वो जाना जाता है जब भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो उसमें ये तो होगा लेकिन इसमें टिकोइक एसिड सीड एब्सेंट होंगे क्लियर चलिए तो ये थ्री लेयर्ड सेल्युलर मेम्ब्रेन समझ गए साइटोप्लाज्म तो समझ रहे हैं फिगर में देख रहे हैं दो चीज़ आया यहाँ सॉल्युबल आरएनए एंड सॉल्युबल प्रोटीन डीएनए तो समझ रहे हैं राइबोसोम भी समझ रहे हैं देखिये आर एन ए के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं वो जनरली तीन ही तरह के हैं रा, टी आर एन एर एन एजर थिंगो आर एन ए हम लोग बोलते हैं चलिए तो ये जो थ्री आर एन ए है इसमें राइबोजोमल एम आर एन एन टी आर एन ए तो ये जो टी आर एन ए है ना यही इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए भी ए स्मोलेस्ट मॉलिक्यूल दैट कैरी एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इमिन का काम ही क्या है इमीनो e एसिड को कैरी करना पी और के साइट के बारे में वाकिफ होंगे नाउ तो ये सॉल्युबल आर हो गया यानी टी आर है ठीक है नेक्स्ट इज सॉल्युबल प्रोटीन तो सॉल्युबल प्रोटीनस एग्जिबिट लो इम्यूनिज यही जो सोल्यूबल uh, प्रोटीन होते हैं ना यही इम्यूनोजेनिसिटी बहुत कम कॉज करते हैं ठीक है इम्यून को एग्रवेट कम करते हैं और आसानी से यह क्या करते हैं हमारे शरीर में अगर इंट्री मारे तो यही सोलिबल प्रोटीन्स इसको मदद करते हैं हमारे शरीर के सेल से, से दोस्ती करने के लिए यानी कि इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे और इनको एक कन्वीनियंट फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ ये आसानी से ग्रो कर सकें सो दिस सॉलिबल प्रोटींस एग्जिबिट लो इम्यूनिजेनिसिटी जनरली ड्यू टू द एबसेंस ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नेचर दैट आर रिकोगनाइज बाई द इम्यून सिस्टम एज डेंजरस तो जो इसको आइडेंटिफाई करने में छुपाने में मदद करता है इसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए में मदद करता है कहीं भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बस इतना जानिए बाद बाकी इम्यूनो सिस्टम में जब इम्यूनिजेनिसिटी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आर माइक्रोप्लाज्मा चलिए अब लास्ट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी देख लें ये जो हमको जानकारी लेना है इसमें एलिमेंट्री आइडिया ही है बहुत डीपली नहीं दैट्स वाई वी हैव कवर्ड अप ऑनली एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन जब हम लेंगे तो उसमें और डिटेल हम लोग कवर अप कर लेंगे राइट right. वो क्वेश्चन सेशन जो होगा मेरा स्पेशल क्लासेज में होंगे अन एकेडमी के uh, एप पे तो ये भी प्रोटिस्टा जो होंगे ये यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक एंड एक्वेटिक तो हैं ही ये ओके आ, फ्लैजेला सीलिया इसमें पाया जाएगा लोकोमोटरी ऑर्गेनल ऑर्गेनल के बारे में के रूप में रिप्रोडक्शन यहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है इसमें जो आएंगे पहले सबसे पहला जो डिवीजन करेंगे दैट इज कॉल्ड क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा प्लैंगटॉन्स हैं एंड गोल्डन एलगा आता है डेस्मिट्स इसको बोलते हैं गोल्डन एल्गे को डेस्मिट्स भी बोलते हैं ये जो क्राइसोफाइटा के जो जो भी पाएनिज्म हैं वो फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक तो है ही ये फोटोसिंथेटिक हैं। इन डाइएटम्स सेल्वल इज इनडेस्ट्रक्टिबल क्यों सीलिका के कारण फॉर्म डाइटोमेसियस अर्थ एंड इट्स बींग ग्रीटी यूज़ फॉर पॉलिशिंग फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप वगैरह बनाने में इसका मदद करते हैं ठीक है डाइटोमेसियस अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं और यही जो है क्राइसोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना यही चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ़ यानी सीधे डाई एटम्स के बारे में बोलें दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस माइंड इट चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस कौन है डाई एटम्स और वो क्राइसोफाइटा में आते हैं इसमें डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में पढ़ें ये मेराइन फोटोसिंथेटिक है येलो ग्रीन ब्लू और रेड पिगमेंट्स हो, होंगे इसमें सेल्वॉल इज इस सेल्यूलोजिक मेनली जो सेल्वॉल होगा सेल्यूलोज का बना होगा दो फ्लैजेला मिलेगा रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो कि लॉक्स, ठीक है फॉर्म्स रेड टाइड एंड टॉक्सीन्स आर रिलीज लॉक्स के बारे में जो कि रेड टाइड को फॉर्म करने में के लिए रेस्पॉन्सिबल है नाउ डायनोलोफ्लैजिलेट के बाद आएगा यूग्लेनॉइड और यूगलेना ये फ्रेश वाटर स्टैगनेंट वाटर में रहेंगे फ्रेश वाटर में मिलेंगे माइंड इट यूगलेना जो है कहाँ रहा है एक्सक्लूसिवली आपको फ्रेश वाटर में मिल रहा है ठीक है सेलवॉल इसमें नहीं मिलेगा बट प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट कॉल्ड पेलीकल और यूगलेना का जब भी आप स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें उसके चारों तरफ हम लोग एक क्या है एक डेलीकेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेलीकल ठीक है पी ई डबल एल आई सी एल ई ठीक है एंड पेलिकल इज फ्लेक्सीबल विथ फ्लैजेला दे आर मिक्सोट्रॉपिक बिकॉज फोटो सिंथेटिक इन लाइट और हेटरोट्रॉप्स वेन नो लाइट मिक्सोट्रॉप्स किसको बोलेंगे जो दोनों काम करें यानी कि लाइट के प्रेजेंस में वो फोटो सिंथेटिक होता है और <coughs> लाइट के एप्सेंस में दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं मिक्सोट्रॉप बहुत ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप के मिक्सचर होता है ठीक है ओके स्लाइम स्लाइम मॉल्ड सेप्रोफाइटिक है बॉडी मूव्स ऑन डीकेटेबल कंडीशंस फ्रॉम एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम मास ऑफ स्लाइमोल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल यस अकबर सॉरी uh, अभी तक तो हम टेलीग्राम पे नहीं आए हैं होपफुली uh, दो से तीन दिनों में अगले दो दिनों में हम टेलीग्राम पे आ जाएं ठीक है क्योंकि तो uh, अभी तक तो हम लोग जो भी कोर्सेज़ करा रहे थे वो uh, हाँ बायो मिस्ट्री मैंने मैंने अप टोटली हॉली किया हुआ है आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो uh, इकोलॉजी किया है इवोल्यूशन किया है सेल बायोलॉजी किया है साइकिल किया है सेल साइकिल किया है अभी वाइटमिनस एंड मिनरल्स देख रहे थे बट अचानक से हमको ये ऑर्डर भी आया कि आप क्रैश कोर्स चलाइए सिक्सटी डेज़ का तो चला रहे हैं तो इस दरमियान जो अभी क्रैश कोर्स का जो आज ही से मैंने शुरू किया है तो आज भी हमको कम से कम करीब ग्यारह बारह मैसेज आए हैं तो आप लोगों से इंस्पायर्ड होकर के होपफुली एक से दो दिन में हम टेलीग्राम पे एक चैनल बना करके आपसे उससे जुड़ते हैं वहाँ पे ठीक है चलिए तो आप यहाँ छः से नौ पढ़ो और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली आस्क मी बहुत सारे बच्चों के पास मेरा नंबर है यू कैन आल्सो राइट इट डाउन नाइन एट फाइव टू डबल एट थ्री सेवन फाइव टू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम किसी तरह का क्वेश्चन भी आपके पास है आप डायरेक्टली उस पर एस एम एस ये व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो मैं क्लास के बीच में वो क्वेश्चन चाहे वो टॉपिक का हो या नहीं हो मैं उस पर आपको डिस्कस करके बता दूंगा राइट चलिए अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर्म एस्पोर हमने शुरू से ही बता रखा है कि एस्पोर का फॉर्मेशन जहाँ भी आप नाम सुनिए ना आप समझ जाइए कि वो बेचारा मजबूरी में बना है स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन जब भी होगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है और वो मेनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है स्पोर क्या है मेटाबॉलिकली इनर्ट स्टेज में होता है ये पाया जाता है चलिए स्लाइम स्लाइमोल्स है नेक्स्ट इज द प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉप हो सकते हैं ये हेट्रोट्रॉप मेनली प्रीडेटर होगा या पैरासाइट के रूप में पाया जाएगा और इसके चार मेजर ग्रुप हैं एक एमोबॉइड प्रोटोजोवन है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है सीलिएटेड है एंड एस्पोरोजुआन है राइट एमोबॉइड प्रोटोजोन जनरली फ्रेश वाटर है सी में भी मिलेंगे और मॉइस्ट सोल्ट में मिलेंगे यानी ऑमनी प्रेजेंट है ये ऑमनी प्रेजेंट ओके स्यूडोपोडिया खासियत है इनकी अभी पढ़े हैं साइक्लोसिस में पिछले क्लास में साइक्लोसिस और साइको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में कि ये सीडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और इसमें एक्टिन मायोसिन का भी कैसे रोल होता है मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स उसमें सिलिका के सेल्स होंगे एनटमिबा हिस्टोलिटी का क्या है एमोबॉय डिसेंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है एमोबॉइक डिसेंट्री के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है Protozoans, free living होंगे, भी हैं जैसे कि ट्रिपेनोजोमा जोमा होगा ठीक है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करना इज अ पैरासाइट ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन सिलेटेड प्रोटोजोआ में एक्वेटिक सीलिया उसमें स्मॉल छोटा जो लोकोमोटरी ऑर्गन नल के रूप में या स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग देखते हैं वो सीलिया है कैविटी uh, गलेट जैसे पारामेशियम ये हो गया स्पोरोजोन में स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल में एक न एक स्पोर का स्टेज आएगा ठीक है जैसे प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरियल फीवर जो कॉज करता है वो स्पोरोजोन में आते हैं ओके तो ये आज का आज हम अभी ये स, फर्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी लिए थे इस क्लास में हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं चूँकि समय कुछ ज़्यादा हो गया है ठीक है और अगले कल के क्लास में हम लोग जो करेंगे आ, अगला जो होगा वो प्लांट हाँ प्लांट किंगडम होगा उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से जल्दी से अच्छे से और एक क्लास में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे ठीक है और आप लोग भी पढ़ के आइए इफ़ यू हैव एनी डाउट तो पूछिए उसमें आप इस पर डायरेक्टली इसमें टाइप करके एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल अक बेल आइकन को दबा कर रखिए कि नोटिफिकेशंस जब भी क्लासेस होंगे जनरली सिक्स एंड नाइन पीएम पे तो क्लासेस शेड्यूल्ड हैं इफ़ देर इफ़ uh, uh, कुछ चेंजेस अगर उसमें होंगे तो वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे एंड क्लास अच्छा लगता है एंड अकेडमी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वहाँ कर, ज्वाइन करने समय आप मेरा एक औसम रेफरल कोड एस बी जीरो जीरो वन का इस्तेमाल कर टेन परसेंट का डिस्काउंट भी पा सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच अकबरुद्दीन एंड थैंक यू ऑल